नमस्कार। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद में सन 2023 में भारी बारिश के कारण जमुरिया नदी में पानी ना क्रॉस होने से बाराबंकी जनपद में बाढ़ के हालात बने हुए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जमुरिया नदी के किनारे बने घरों को तोड़वा दिया है। जितने ग्रीन बेल्ट में घर बने थे उनको तोड़वा कर जमुरिया नदी को 25 मीटर में बहना था, 25 मीटर के लिए सफाई करवा दी गई है। बाराबंकी जनपद को अब की बार बाढ़ के सामना नहीं करना होगा। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। आखिर पूरा मामला क्या है, खबर को विस्तार से देखिएगा। 23 में बाराबंकी शहर में हम लोगों ने देखा था कि मेजर स्केल पे अर्बन फ्लडिंग हुई थी, उसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ था लोगों का। उसको देखते हुए इस बारी जमुरिया नाले की पूरी खुदाई की गई है, उसके चौड़ीकरण करते हुए अब उसकी 25 मीटर की चौड़ाई कर दी गई है। और इस साल जो हमारे बारिश का पानी है वो आसानी से निकल के अभी तक पाया है और आगे भी होपफुली ऐसी स्थिति रहेगी। अब हम लोग आगे जमुरिया नाले के किनारे एक STP की भी प्लानिंग कर रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, दिल्ली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत अभी स्वीकृति के फेज में है। और जल्दी ही हम लोग देखेंगे कि पूरे शहर के जितने भी नाले हैं, सीवर लाइन्स हैं, वो ट्रीट होकर ही आगे डिस्पोज होंगे। इसके अलावा नगर विकास विभाग द्वारा शहर के लिए 25 करोड़ के नालों के लिए परियोजना भेजी गई थी, उसमें से भी 9 करोड़ रुपये के नाले स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो इससे भी हमारे शहर में जो अलग अलग जगहों पर जल जमाव की दिक्कत हो रही है उससे भी काफ़ी हद तक मिला था। सर, कुछ बजट आवंटन हुआ है इससे संबंधित? हाँ, नालों को लेकर नगर विकास विभाग द्वारा बजट आवंटित कर दिया गया है। थैंक यू।